है दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने काम के लिए और गाड़ी पूरी लोड है, एकदम टिप टॉप है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जा रहे हैं रोपड़ की तरफ। और मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है आज। बाकी जैसा भी होगा, जो भी होगा, अभी कस्टमर को कॉल करके ना लोकेशन मंगवा लूँगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में कोई दिक्कत हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है उधर शहर थोड़ा बहुत, और मैं पहली बार इसको पहाड़ी इलाके में लेके जा रहा हूँ खुद। पहले ड्राइवर लेके गया था, उसके साथ गया था, तो पहाड़ी इलाकों में आज मैं चलाने का एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, वो चीज़ भी दिखाऊंगा आपको। बाकी चलते हैं, निकलते हैं, पहले लोकेशन मंगवा लेता हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। तो भाई साहब, कस्टमर से लोकेशन मांगी यार, कस्टमर ने लोकेशन नहीं दे रहा, बोल रहा है यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। यार ऐसे ना हमें ना पता नहीं लगता, पता क्या चक्कर है, हम ड्राइव करें या फिर बार बार रुक के किसी से पूछें, ये सब चीज़ें फिर दिक्कत कर जाती है, समझ रहे हो। तो अगर आप लोकेशन भेज दोगे तो 5 मिनट में आपको कुछ जा नहीं रहा है ना, तो सारी बात ये है। अरे यार, एक तो ये दोनों में ना बड़ी दिक्कत है, अब ये लोग घंटों में ओवरटेक करेंगे दोनों के दोनों, अब मेरे को होली करनी पड़ेगी गड्डी। तो यार कस्टमर ना लोकेशन भेजना बहुत इजी रहता है हमारे को, बार बार ना देखो गाड़ी नहीं रुकती, पहली बात हमारे को किसी से पूछना नहीं पड़ता बार बार, ठीक है। अब कह रहे हैं कि किसी से पूछ पूछ के आ जाओ, बेंजा कहाँ पड़ेगा, तो अब बार बार रुकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तो मूड ख़राब होता है। फिलहाल तो अभी कुराली पहुँच चुका हूँ अपने घर के पास, इधर थोड़ा आगे जाके मेरा घर आ जाएगा, पर अपने को थोड़ा आगे जाना है रोपड़ के पास, इतना मुझे पता है नूरपुर बैदी के पास जाना है, वहाँ पे है बैंसा कोई, तो बाकी देखते हैं, पहले वहाँ तक चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। और ये गड्डी पीछे लग रहा है कि अपनी आ रही है, पर पता नहीं, पहले तो यार यहाँ से ओवरटेक करना मुश्किल हो रहा है यार, कार्ड ले यार। तो फिर इसको ओवरटेक करने दिया बंदे को हमने, क्योंकि हम इसके बाद ओवरटेक करेंगे, और अब करते हैं ओवरटेक, हम तो चल रहे हैं ओवरटेक कर रहे हैं। बाकी यार बंदे ना, यार कस्टमर ना लोकेशन भेज दिया करो यार भाई, हमारे को बहुत इजी रहता है, और आज के लिए नहीं, क्योंकि ये मैं इसलिए अभी से लोकेशन इकट्ठी करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में हमारे पास ना इन्हीं का काम आने वाला है, और हम बार बार सीज़न आ रहा है, दिवाली का टाइम आ रहा है, आप लोगों को जैसे पता ही है ना, तो हम बार बार इन लोगों से ना लोकेशन नहीं मांग सकते। मैं यही चाह रहा हूँ कि एक बार हमारे पास लोकेशन आ जाए तो हम उसको सेव करके रख लेंगे अपने पास, और डायरेक्ट जब भी जाना हो, यहाँ के गेड़ा हो, लोकेशन खोली, बंदा डायरेक्ट पहुँच जाए, किसी से पूछे ना पूछे ना। तो बाकी चलते हैं देखते हैं फिर, है ना, अभी भाई देख रहा है, भाई चेक कर रहा है लोकेशन, वो भेजेगा मुझे फिर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हम जा रहे हैं रूपनगर बैंसा, पता नहीं क्या पिंड का नाम है, बैंस मुझे पता नहीं था ना, पर रूपनगर में जाना इतना पता है। और गाड़ी अपनी लोड है, ये देख लो पीछे सैमसंग वालों का माल है, ये सैमसंग के फ्रिज वगैरह हैं, तो जा रहे हैं इसे लेके। मौसम भी ठीक ठाक ही है, ना कोई बारिश ना कोई, आज मौसम भी ठंडा है, और आगे से आज लग रहा है बारिश हो सकती है, तो तिरपाल पा लेंगे, अभी तो मैंने फिलहाल नहीं पाई थी, बाकी जा रहे हैं, निकल गए हैं। तो दोस्तों अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्योंकि इस रोड पर ना मैं कभी नहीं आया, और फर्स्ट टाइम आया हूँ इन रोडों पर, इतना मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो अंदाजे से चला रहा हूँ कि हाँ ठीक चल रहा हूँ मैं, नूरपुर पे आगे ही दिखा रहा है, बहन काफ़ी चोरी बस है, नूरपुर पे दिखा भी मुझे ना आगे ही दिखा रहा है, तो जा रहा हूँ अभी लोकेशन के हिसाब से, वहाँ से ढूंढूँगा बैंस कहाँ पे आएगा, शबूरा यानी कैसे कैसे पिंड हो गए नाम यार, ठीक है नाम है, पर कम से कम नेट पे तो आने चाहिए, नेट पे भी नहीं है भाई कोई चीज़ इस पर, बेकार जगह है ये। मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ तो दिक्कत थोड़ी बहुत तो होती है, आप सबको पता ही है, हम कहीं फर्स्ट टाइम जाते हैं चीज़ों को लेके मनाली या चलो जाते हैं, अब देखते हैं जैसा भी होगा, पूछना तो पड़ेगा किसी से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा आगे आ रहा हूँ, पूछता हूँ पहले किसी से आ रहा हूँ, जल्दी आ गया। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं, 6 किलोमीटर रह गया, बंदे ने लोकेशन नहीं भेजी, थोड़ा घूम के आना पड़ा, पर थोड़ा पता लग जाता है, ड्राइवर है भाई, ड्राइवर तुम्हें पता है कुछ भी कर लेते हैं ना, तो थोड़ा इधर उधर पूछना पड़ता है, पता लग जाता है। बाकी बस 6 किलोमीटर रह गया और जा रहा हूँ हौली हौली, क्योंकि अब चढ़ाई का टाइम है, थोड़ी ऊँचाई आने वाली है, वो देखो सामने है ना, तो फिर थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे मर जाती है पिकअप।
दोस्तों पूरा ये पहाड़ी इलाका है, चेक कर लो। पहाड़ों में वन वे रोड है और थोड़ा आराम से चलाना पड़ता है इन रोडों पे। आपको भी बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से रहा करो, है ना। अपनी साइड नहीं छोड़नी कभी भी, ये पट्टी से इधर ही रखनी है अपनी गड्डी, क्योंकि सामने से हमें नहीं पता कि कब ट्रक आ जाए, कब क्या आ जाए। तो अपनी साइड पे रहना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना कोशिश करो कि अपनी साइड से कट ले सकते हो तो बेस्ट है, उस साइड पे जाना ना पड़े बस। जैसे वो गाड़ी आ रही है, वो अपनी साइड से आ रही है, हम अपनी साइड पे हैं। अगर हम उसकी साइड पे चल रहे होते मोड़ पे तो फिर एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं, वो चीज़ हमने नहीं करनी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से चलाया करो। बाकी पहुँच के फिर निकलते हैं, क्योंकि अब ये है हाईवे, ओ हाईवे कह रहा हूँ, पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मिलते हैं आपसे पहुँच के। भाई साहब पहुँच चुके हैं लोकेशन पे और ये वाली दुकान है, तो अब देखते हैं कहाँ उतरवाएंगे, यहाँ उतरवाएंगे, स्टोर में उतरवाएंगे। दोस्तों जा रहे हैं वापसी, गाड़ी हो चुकी है पूरी खाली, और ये पता नहीं कैमरे में क्या हो गया, साफ क्यों नहीं आ रहा कैमरा आजकल। दोस्तों गाड़ी हो चुकी है खाली, जा रहे हैं अब मोहाली, और इतना कम से कम यहाँ से 40 किलोमीटर है बस अपना कुराली, और मैं अंदर अंदर रास्ते से जा रहा हूँ। इसी रास्ते से मुझे आना था बट मुझे नहीं पता था इतना, और अब मुझे पता लग चुका है किस रास्ते से बात कर रहे थे वो। और मैं हाईवे हाईवे आया था, अब मैं पेंट पेंट होके जा रहा हूँ, तो ये मुझे बेस्ट रहेगा काफ़ी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जल्दी पहुँच जाऊँगा। कम से कम 20 किलोमीटर का फर्क पड़ गया यहाँ से कुराली, उधर से कम से कम 60 किलोमीटर था, यहाँ से 40 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर का फर्क पड़ गया, बहुत सही है। तो अब जा रहे हैं वापसी, वापसी जाके देखेंगे कोई काम होगा तो दिखाएंगे आपको, वरना फिर कर देंगे सिस्टम है ब्लॉग को एंड। बाकी मेरे आगे बस है, इसको करते हैं पहले ओवरटेक, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस चेक कर लो, पूरे पहाड़ी इलाकों में हम, और ये सारे पहाड़ हैं अपने आसपास, और हम पूरे पहाड़ों के बीच में हैं। और मैंने अभी न्यूट्रल कर दी थी गाड़ी, क्योंकि स्पीड बहुत तेज हो गई थी, फिर मैंने थोड़ी गियर के हिसाब से गाड़ी कम कर ली। और मज़ा आता है यार पहाड़ियों में ना, एक अलग ही फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे आके पहाड़ियों में। और बस इतना यहाँ पे पहाड़ों में चलाने का ना एक तरीका है, बस अपनी साइड पकड़ के रखो, कुछ नहीं होगा, आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो उसके हिसाब से अपनी गाड़ी चलाओ। बाकी ये पहाड़ देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़ें, मज़ा आता है, क्योंकि वो कब रोज तो आते नहीं हम लोग ऐसी जगह पे, तो जब भी आओ। बाकी इतने बड़े पहाड़ नहीं है, मेरा भाई तो आज हिमाचल गया हुआ है, वहाँ है पहाड़ तो तगड़े, और मैं हूँ इधर अपना रोपड़ के पास, पड़ते हैं ये पहाड़, पिंडो वाले पहाड़ हैं, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं बोल सकते इन्हें, बट पहाड़ पहाड़ होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइविंग होती है ना वो बहुत ख़तरनाक ड्राइव होती है, तो उसके हिसाब से सब कुछ चलना पड़ता है। बाकी ये नज़ारा आपको दिख ही रहा होगा, जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ दिखा रहा हूँ। मैं इधर यहाँ पे ना पहले आया भी हूँ एक बार, यहीं पे हम सामान देने आए थे, शायद वो चीज़ आगे आने वाली है, जहाँ पे हम आए थे पेट्रोल पंप के पास में आए थे, और मेरे हिसाब से वो चीज़ आगे ही आएगी, क्योंकि हम थोड़ा उससे ना आगे ही आए हुए हैं। तो मैं आया कोई और रास्ते से था और जा इस रास्ते से, हाँ वही चीज़ आ गई, यस यस यस, ये रहा, यहाँ पे मैं रुका था गाइस, और इसके आगे जाके ना वो था जहाँ पे हमने सामान दिया था, बिल्कुल देखो, जब मैंने वो चीज़ें, मेरे को ना याद आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपकी गाड़ी रोकी थी, हमने यहाँ पे वॉशरूम करा था, तो चीज़ें याद आ जाती है, चाहे आप कहीं, क्योंकि हम पहली बार तो आए नहीं है, पहले भी आ रखे हैं ना, तो सब चीज़ें याद रहती है। बाकी यार अब थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चढ़ाई आ रही है बार बार, और इन जैसों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। देखा गाइस, अब बताओ गलती किसकी थी, उसकी गलती थी, इसलिए उसने ब्रेक मारी, क्योंकि अपनी साइड पे आओगे तो आराम से चलते रहोगे, और मैं तो बहुत ही इसलिए स्लो चल रहा, और स्लो क्या, ये चढ़ती नहीं है, इसकी लिमिट ही नहीं है चढ़ने की, स्पीड ही नहीं बन पाती, तो ये वैसे ही स्लो होती है, क्योंकि गाड़ी को चढ़ने के लिए भी पिकअप चाहिए, और इसकी पिकअप बनते बनते टाइम लग जाता है जब तक कोई गाड़ी आ जाती है। तो अब थोड़ा ध्यान दे लेते हैं ड्राइविंग पे, फिर मिलते हैं आपसे।